फिल्मी किस्से बह राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में एक्ट्रेस लीना चंदावरकर की बात करेंगे। एक कोंकणी मराठी स्पीकिंग परिवार में लीना का जन्म 29 अगस्त 1950 धारवाड़ मैसूर स्टेट में हुआ, जो अब कर्नाटक है। पिता श्रीनाथ चंदावरकर आर्मी ऑफिसर थे। लीना के भाई का नाम अनिल चंदावरकर था। लीना की पढ़ाई बेसल मिशन हाई स्कूल में हुई। स्कूल में एक बार टीचर ने कहा कि सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखें कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लीना ने लिखा कि वो बड़ी होकर फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती है। इस बात पर टीचर ने लीना को पीटा और माफी मांगने के लिए कहा। लीना ने माफी नहीं मांगी। उनका कहना था कि मैंने वही लिखा है जो मैं बनना चाहती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। थोड़ी बड़ी हुई तो लीना टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए बम्बई जाने की जिद करने लगी। पहले पिता तैयार नहीं थे, पर ग्रैंड पेरेंट्स के कहने पर लीना को बम्बई जाने की इजाजत दे दी। लीना को सबने कहा कि तुम्हारा चेहरा बहुत फोटोजेनिक है, बहुत अट्रैक्टिव है, पर हीरोइन के रोल के लिए अभी तुम छोटी हो। लीना चंदावरकर को सपोर्टिंग रोल्स जैसे बहन के रोल्स ऑफर भी हुए, पर लीना चंदावरकर हीरोइन ही बनना चाहती थी, इसलिए वो रोल्स एक्सेप्ट नहीं किए और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में एज मॉडल काम करने लगी। सुनील दत्त की लीना पर नजर पड़ी। सुनील दत्त उन दिनों फिल्म शुरू कर रहे थे मसीहा, जिसमें सुनील दत्त, राजकुमार, मुमताज काम करने वाले थे। सुनील दत्त ने लीना चंदावरकर को भी उस फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म 1967 में बननी थी। फिल्म के निर्देशक सुनील दत्त खुद ही थे। ये प्रोजेक्ट बीच में ही रह गया। सुनील दत्त ने अपनी माँ के कहने पर अपने भाई सोम दत्त को ब्रेक देने के लिए फिल्म प्लान की। उस फिल्म में चार नए चेहरे लॉन्च किए, सोम दत्त, लीना चंदावरकर, विनोद खन्ना, संध्या रानी। फिल्म थी मन का मीत। फिल्म की रिलीज का साल कहीं पर 1968 है, कहीं पर 1969। पर फिल्म में काम करने से पहले लीना को बहुत तैयारियां करनी पड़ी। लीना चंदावरकर हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थी। अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कैमरा के सामने एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्टिंग करनी है, और भी बहुत कुछ था जो लीना चंदावरकर को किसी साधारण इंसान ने नहीं बल्कि खुद नरगिस जी ने सिखाया। लीना की पहली फिल्म मन का मीत कामयाब हुई। उस फिल्म से लीना चंदावरकर और विनोद खन्ना को ही फायदा हुआ। लीना को उस दौर के सब बड़े स्टार्स के साथ काम मिलने लगा। जितेंद्र के साथ जवाब, हम जोली, और संजय खान के साथ सास भी कभी भू थी, चिंगारी, शमी कपूर के साथ जाने अनजाने, प्रीतम, फिर उस दौर के सबसे बड़े दो स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, धर्मेंद्र के साथ रखवाला, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम करने का मौका मिला, जिसके गाने आज तक फेमस हैं। लीना की बात आते ही सबसे पहले यही गाना सामने आता है। महमूद की फेमस फिल्म मैं सुंदर हूँ में लीना की जोड़ी बिस्वजीत के साथ बनी। आज मैं जवान हो गई हूँ, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तो न जा। फिर लीना ने राजकुमार के साथ दिल का राजा में काम किया। कि इंसान क्या देवता क्या सभी को तुमसे प्यार। अनिल धवन के साथ हनीमून में काम किया। राकेश रोशन के साथ एक कुमारी एक कुमारा में। उन्हीं दिनों लीना की संजीव कुमार के साथ दो फिल्में आईं, दोनों बहुत खास रहीं, दोनों कामयाब रहीं, मंचली और अनहोनी। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। बुद्धू पड़ गया पल्ले, पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले। संजीव कुमार के साथ एक और फिल्म आई ईमान। विजय अनंत के साथ चोर चोर में हीरोइन बनी। एक बार फिर जितेंद्र के साथ विदाई में काम किया। सितंबर 1974 लीना चंदावरकर की इंगेजमेंट हो गई। होने वाले पति का नाम था सिद्धार्थ बंदोदकर।
गोवा की एक हाई प्रोफाइल फैमिली, सिद्धार्थ एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी बड़ी बहन शशिकला ताई गोवा की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। इस बीच लीना की कुछ और फिल्में रिलीज हुई, संजीव कुमार के साथ अपने रंग हजार, विनोद खन्ना के साथ कैद, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जग्गू, पर इन सबसे खास रही धर्मेंद्र और शर्मिला के साथ एक महल हो सपनों का। फिल्म कामयाब नहीं हुई, पर धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के होते हुए भी लीना शो स्टीलर साबित हुई। उनका रोल सबसे अच्छा था, उन्होंने अच्छे से निभाया। आगे बढ़ो और बुझा लो अपनी प्यास, पूरा कर लो अपना इंतकाम। लीना दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी इच्छा थी कि दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिले। उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला बैराग में। फिल्म काफी बाद में रिलीज हुई। फिल्म 1976 में रिलीज हुई। आठ दिसंबर 1975 लीना और सिद्धार्थ की शादी हो गई। 18 दिसंबर 1975 पति पत्नी एक सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे कि सिद्धार्थ अपने गन साफ करते हुए जख्मी हो गए। उन्हें मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इलाज के लिए कुछ ऐसी दवाइयां चाहिए थीं जो आसानी से अवेलेबल नहीं थीं। धर्मेंद्र ने बहुत कम समय में वो दवाइयां अरेंज करवा दी थीं। इस पर लीना चंदावरकर का कहना था कि धर्मेंद्र ने मेरे पति की जान बचाई है। वो सारा किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। लीना ने कहा था कि मुझे लोग मांगलिक कहते थे। लीना ने अपनी सासू माँ से कहा कि सिद्धार्थ के ठीक होते ही हम लोग दोबारा शादी करेंगे। तब सास ने कहा था कि मेरी तीन बेटियां हैं, सात बेटे होके मर गए, उसके बाद ये सिद्धार्थ आया। क्या उन सातों को तुमने मारा था? इसलिए कोई वहम मत करो। बदकिस्मती से सिद्धार्थ की सेहत फिर से खराब हो गई और वो 7 नवंबर 1976 को ये दुनिया छोड़ गए। इस बात का असर लीना पर इतना हुआ कि वो अपने आप को कमरे में बंद रखने लगी। बड़ी मुश्किल से लीना ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी कुछ और फिल्में आईं, यारों का यार, आखिरी गोली, आफत, नामी चोर, डाकू और जवान, नालायक, जालिम। लीना संजीव कुमार के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी जब किशोर कुमार से उनकी पहली बार मुलाकात हुई। संजीव कुमार ने कहा था कि किशोर से सावधान रहना, तुम बहुत सुंदर हो, इसे पहले ही राखी बांध देना वरना ये तुमसे शादी कर लेगा। तब ये बात हंसी में उड़ा दी गई जब किशोर कुमार अपनी फिल्म ममता की छाओं में के लिए लीना से बात करने गए तो लीना ने कहा था कि मैं आपके राखी बांधूंगी। पर धीरे धीरे किशोर कुमार ने लीना का दिल जीत ही लिया। लीना के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये आदमी पहले ही 3 शादियां कर चुका है। खैर, बाद में जो भी हुआ, किशोर कुमार और लीना की शादी 1980 में हो गई। लीना ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। जितेंद्र अपनी फिल्म सरफरोश के लिए जब लीना से बात करने गए तो क्या हुआ, वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। सरफरोश 1985 में रिलीज हुई। किशोर दा 1987 में ये दुनिया छोड़ गए थे। किशोर और लीना का एक बेटा है सुमित, वो भी गायक है। किशोर दा की पहली पत्नी से बेटा अमित कुमार भी गायक है, ये आप सब जानते हैं। सारा परिवार साथ में ही रहता है। दिवाली लीना चंदावरकर के लिए कभी शुभ नहीं रही। उनके दोनों पति दिवाली के दिनों में ही दुनिया छोड़ गए थे। उनके भाई ने दिवाली के दिनों में ही सुसाइड किया था। आज 29 अगस्त 2023 लीना अपनी जिंदगी के 73 ईयर्स पूरे कर चुकी हैं। उनको जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ये एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।